मैं उन टीचर्स को भी सलाम करती हूँ कि जो ये बच्चों का लॉस होता है स्टडीज में, उनकी हेल्प आउट, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर हमारी बहुत सारी एकेडमी से बच्चे बाहर जाते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए, और मैंने ये पहली दफा देखा है कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जाइए खेलने के लिए, आपके आपका एक हफ्ता है या 10 दिन का ब्रेक है, हम आपका हेल्प करेंगे ये स्टडीज लॉस रिकवर करने में। सो उन टीचर्स को भी, उन स्कूल्स को भी मेरी तरफ से सलाम है कि जो इन बच्चों को हेल्प आउट करते हैं। तो ये कंट्री को रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करने में हेल्प भी करेगी और रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और उसमें उन टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे मैं ये जरूरी बताना चाहूंगी कि जो इनकी कोचेज होते हैं, इट्स नॉट ओनली पेरेंट्स और स्कूल और एकेडमी, जो बच्चे 50 या 100 रुपए करते हैं। मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स में, चाहे वो मार्शल आर्ट्स के हैं या बाकी स्पोर्ट्स के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी जिस प्लेटफॉर्म क्वेश्चन पूछे और अपनी जर्नी जो इनकी है, क्योंकि ये भी नेशनल्स खेल चुकी है टाइम टू टाइम, ये भी अपनी जर्नी के बारे में बताएं और ये भी फिर ओपन हाउस डिस्कशन के लिए ये स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। सो पूरे सोपोर के लिए ये फ़ख्र की बात है कि सोपोर की लड़की ने आज न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सोपोर का नाम रोशन किया। ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि अभी भी लोग, कई पेरेंट्स लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आज से 30 साल पहले का सोपोर आप देखिए, जहाँ पे भी इन गेम्स का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, आज अगर आप देखेंगे कि सोपोर की लड़कियाँ न सिर्फ मार्शल आर्ट्स में लेकिन बाकी टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, या वॉलीबॉल है, या अभी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुआ था चेस का या कैरम का, वहाँ पे भी लड़कियों ने अपना, पर्टिकुलरली फ्रॉम द सोपोर टाउन की लड़कियों ने अपना लोहा मनवाया। सोच बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए कि आजकल सोपोर में इन सब गेम्स की तरफ बच्चों का रुझान है, तो इंशाल्लाह आगे वो पेरेंट्स भी उजागर हो जाएंगे और अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे इन गेम्स की तरफ आने के लिए और सोपोर का नाम रोशन करने के लिए। मैम, हम देखते हैं कि डिस्पाइट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज इन सोपोर, बट फ्रॉम अदर साइड आवर सिस्टर्स, आवर डॉटर्स, दे आर कमिंग फॉरवर्ड, दे हैव यू नो डन अ ट्रेमेंडस जॉब ऑन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट्स, बट यू बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, यू नो व्हाट विल बी योर स्टेप्स फॉर बूस्टिंग द सपोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पेशली फॉर द वुमेन इन सोपोर। सुहेल साहब, आपने देखा होगा जो पहले का सपोर्ट था, वहाँ पे गर्ल्स के लिए कुछ नहीं सोचा जाता था स्पोर्ट्स के हवाले से,
से, लेकिन आज के सोपोर में और पिछले सोपोर में जैसा कि मैंने पहले भी कहा बहुत फ़र्क है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमारी गर्ल्स को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं लेकिन प्राइवेट लेवल पे आपको मैं कहूँगी कि बहुत सारी एकेडमीज़ है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए ओपन हुई है डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, और वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और हमने आगे भी ये बात पहुँचाई है कि सोपोर का पूरा यूथ, नॉट ओनली गर्ल्स बल्कि पूरा यूथ बहुत ही टैलेंटेड है और वो हर एक प्लेटफॉर्म पे अपना लोहा मनवा सकते हैं। ओनली थिंग इज़ दैट कि उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हमारा हमें जहाँ पे भी मौका मिलता है, अभी जो MOS स्पोर्ट्स आए थे बारामूला में, हमने उनके साथ भी बात की कि सोपोर में प्लेइंग फील्ड्स की, स्टेडियम्स की कमी है और पर्टिकुलरली जो लड़कियां आगे जाना चाहती हैं उनको बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम लेके आए। जो हमारा प्रोग्राम है वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाएँ और यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल स्पोर्ट्स के हवाले से कोई स्टेडियम या कोई भी प्ले फील्ड्स ओनली फॉर गर्ल्स होना चाहिए। Runak, first of all, congratulations from our side. Thank you so much. How tough this journey was so far for you? You know, जिसमें जहाँ पे हम देखते हैं you belong from the Sopore, क्योंकि Sopore में हमेशा ना एक female को लेके हमेशा चर्चा रहता है, but you proved it those people wrong कि आपने एक लोहा मनवाया है so far. तो इस जर्नी को कैसे आप देखते हैं और थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में हमें बताएं। जी, ये जर्नी जो है मेरे लिए काफ़ी टफ रही है, लेकिन अभी तक ये टफेस्ट काम करते हुए इस जर्नी को उस नज़रिए में मैंने नहीं देखा कि ये चीज़ मेरे लिए टफ है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज़ पार कर सकती हूँ तो श्योरली मुझे सक्सेस मिलेगी। तो इस चीज़ में मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स का फेस करना पड़ा, जैसे कि आर्टिकल में प्रैक्टिस करना, जब एप्लीकेशन हुआ था तब प्रैक्टिस करना इस चीज़ के लिए। एंड अगर हम इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें जिससे मैं रिसेंटली खेल के आई हूँ, तो वहाँ पे मेरा कंपटीशन जो है काफ़ी टफ रहा, जैसे USA ब्राज़ील के साथ रहा एंड फिलीपींस इटसेल्फ, तो मेरा जो कंपटीशन वो काफ़ी टफ रहा। एंड अगर आपने आपने अभी बोला कि आप सोपोर से हो, सोपोर से भी मैं 10 किलोमीटर्स फार रहती हूँ, जो कि एक बहुत छोटा सा गाँव है मगरीपुरा एरिया, तो मैं वहाँ से हूँ, वहाँ पे ज़्यादा बातें की जाती है। तो उस सोसाइटियल प्रेशर को अपने दिमाग पे मैंने सवार नहीं होने दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, कल सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि एक जब आप कुछ नहीं होते हैं तो तब सब बातें करते हैं, लेकिन जब आप कुछ हासिल करते हैं तो सब आपको आगे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे मैम ने बोला कि लोगों का नज़रिया बदल रहा है, सोपोर बदल रहा है, जैसा आपने मैम ने अभी मेंशन किया कि 30 ईयर्स पहले का अगर सोपोर देखा जाए और अभी का अगर सोपोर देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। तब स्पोर्ट्स का कोई विजन ही नहीं था सोपोर में, तब स्पोर्ट्स के बारे में किसी को पता भी नहीं था, बट अभी का जो है, अभी बदलता कश्मीर है, बदलता सोपोर है, तो हम आगे भी स्पोर्ट्स पर्सन्स को परफॉर्म करते देखेंगे और हाँ, आगे भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है सोपोर एरिया के, वो आगे भी अपना जो है मेडल प्रूव करेंगे। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी, स्पेशली यू नो हम देखते हैं यंगस्टर्स अनफॉर्चुनेटली गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे सिस्टर्स भी कहीं ना ड्रग के लत में आ गई है, तो एज अ स्पोर्ट्स गर्ल आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? मेरी तरफ से एक जनरल मैसेज पहले हमारे यूथ को रहेगी, जिनको हम हमारा फ्यूचर देखते हैं, दिस इज़ आर फ्यूचर, हमारा जो अपकमिंग यूथ है, तो उनकी तरफ मेरी एक जनरल मैसेज रहेगी कि आप एक दफ़ा मतलब ड्रग्स से हट के आप स्पोर्ट्स की तरफ आओ, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी है क्या, तब आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या है एग्जैक्टली। वो चीज़ ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी ये चीज़ है। अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ को तजुर्बा करेंगे, आपको आपका जो टैलेंट है उसको आगे लाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ड्रग्स की तरफ ना जाए, और हमारी भी यही हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोगों को कन्विंस करें इस चीज़ के लिए कि आप ड्रग्स से दूर रहें। तो बिकॉज़ ड्रग्स जो है वो एक तो सबसे पहले आपकी हेल्थ ख़राब करती है, एंड फिर उसके बाद इज़्ज़त वगैरह आपको बाकी सब चीज़ों से दूर करती है। तो आप मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ड्रग्स से आप जितना हो सके उतना दूर रहें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ जो है आप अपना जान बढ़ाएं। एंड अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स का जो है गर्ल्स काफ़ी शाय होती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, वो कहीं